नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर, आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, राजस्थान की विभिन्न रियासतों के बारे में हमने पढ़ा, तो आज हम जो राजस्थान की रियासतों के बात की जाए तो उनमें जो रीति रिवाज परम्परा है उनको पढ़ रहे हैं। मूलतः जो राजपूतों का जो जीवन पद्धति है उसके बारे में हमारा जो चैप्टर है राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजपूतों की जीवन पद्धति को जानने के लिए हमें उनके जो रीति रिवाज है उनको जानना जरूरी है, जिसके तहत अगर मान लीजिए किसी जाति की बात की जाए किसी समाज की बात की जाए तो उसके जो रीति जो जीवन पद्धति को जानने के लिए आवश्यक होता है कि उस समाज के रीति रिवाजों को देखा जाए, उस समाज के जो बात की जाए रीति रिवाज वगैरह किस तरीके से जो उनमें प्रचलित है और जो शिष्टाचार नियम है किस तरीके की जो उनमें प्रचलित है उसी से जो बात की जाए किसी समाज की जीवन पद्धति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इन्हीं रीति रिवाजों की बात की जाए तो इसी के तहत हम त्यौहारों को लेते हैं कि इनके अंदर जो त्यौहार मनाने की परंपरा किस तरीके से रही है। अगर बात की जाए गणगौर पूजन की, हमने पिछली क्लास में बात की थी किस तरीके से जो गणगौर पूजन के बारे में सामान्य जानकारी की चर्चा की थी कि ये कब जो गणगौर पूजन जो उत्सव मनाया जाता है अगर बात की जाए तो, जिसके तहत हमने देखा कि होलिका दहन के दूसरे दिन ये प्रारंभ हो जाता है। उसके पश्चात ये चैत्र मास है जो विक्रम संवत के महीने होते हैं, चैत्र मास जो 12 माह होते हैं और उसके अनुसार जो चैत्र मास होता है, चैत्र मास की जो शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अब गणगौर के त्यौहार की बात की जाए तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो राजपूताने में बात की जाए, रियासत काल में अगर बात की जाए विभिन्न रियासतें थे राजपूताने की, जैसे जयपुर रियासत है, उदयपुर रियासत है, जोधपुर रियासत है, बीकानेर रियासत है, बूंदी रियासत है, तो उनमें इस गणगौर पूजन की जो परंपरा किस तरीके से प्रचलित थी। अगर बात की जाए तो राजपूताने में जो राजपूत शासक है उनके द्वारा जो कुछ त्यौहारों को विशिष्ट रूप से जो मनाया जाता था, अगर बात की जाए हालांकि इनमें कुछ समानता में देखने को मिलती है, तो सामान्य रूप से भी अगर बात करें तो राजस्थान के लोगों के द्वारा जो गणगौर पूजन का जो त्यौहार है, गणगौर का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन कुछ विशिष्ट तरीक़ों से अगर बात की जाए रियासत काल के दौरान हमें जो देखने को मिलता है, जिसके तहत आज हम बात करेंगे कि जयपुर की रियासत में गणगौर पूजन का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है, उसके अलावा जो उदयपुर में जो किस तरीके से गणगौर का त्यौहार मनाया जाता था। तो ये सीधी सी बात है, गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था, जो कुमारी लड़कियां होती है उसके अलावा सुहागिन औरतों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। कुमारी औरतों के द्वारा अच्छे वर की कामना की जाती है और सुहागिन औरतों के द्वारा जो अपने अमर सुहाग की कामना इसके तहत की जाती है और राजस्थान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध जो गणगौर की सवारी है वो कहाँ की है, वो जयपुर की सवारी सबसे प्रसिद्ध है। और राजस्थान में गणगौर का त्यौहार जो जयपुर का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है और जो गणगौर पूजन की बात की जाए सर्वाधिक प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे जो जयपुर के गणगौर पूजन की, किस तरीके से जयपुर में जो रियासत काल के दौरान जो महाराजाओं के द्वारा गणगौर का पूजन किया जाता था, जिस तरीके से हमने बात की थी महिलाओं के द्वारा जो गणगौर का पूजन किया जाता है उसी तरीके से जो बात की जाए उसके पश्चात जो सवारी निकलती है गणगौर की सवारी निकल गांवों में भी तुम देखोगे, छोटे छोटे गांवों में भी गणगौर की सवारी निकाली जाती है, गणगौर को जो सजा धजा के जो सवारी के रूप में निकाला जाता है। तो प्राचीन काल इस समय बात की जाए सॉरी राजपूताना के समय बात की जाए तो उस समय जो प्रत्येक रियासत की अपनी काष्ठ प्रतिमा होती थी, काष्ठ प्रतिमा यानी लकड़ी की बनाई हुई गणगौर होती, उस दिन जो गणगौर का त्यौहार होता उस दिन विशेष रूप से उसको जो सजाया धजाया जाता था, श्रृंगारित किया जाता, वस्त्र आभूषण उसे पहनाए जाते थे और उसके पश्चात जो महिलाओं के द्वारा जो महारानियों के द्वारा जो उसकी जो पूजा अर्चना की जाती थी। अगर जयपुर की बात की जाए तो जनानी ड्योढ़ी यानी कि अंतपुर क्या होता है, जहाँ महिलाएं निवास करती है, ठीक है। तो उस दुर्ग के अंदर जो अंतपुर स्थान होता था, जनानी ड्योढ़ी होती थी, उसमें जो गणगौर
का जो पूजन वहाँ महारानियों के द्वारा किया जाता था और रियासतों में ठुकरानियों के द्वारा जो ये किया जाता था, उसके पश्चात पूरे शहर में जो क्या निकलती थी, गणगौर की सवारी निकलती थी। अब गणगौर की सवारी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो लाल वेशभूषा पहनकर जो लोग चलते थे, आज भी तुम देखो कि जयपुर की गणगौर है जो वाकई में जो गणगौर का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरीके से वही परंपरा का निर्वहन हमें जयपुर में देखने को मिलता है। तो ये लाल पोशाक पहन के जो लोग इसके साथ साथ चलते हैं, अगर बात की जाए इसके आगे चलते हैं, और उसके अलावा जो हाथी घोड़े ऊँट का जो लवाजमा, खूब सारे जो हाथियों को श्रृंगारित किया जाता है, घोड़ों को श्रृंगारित किया जाता है और ऊँटों को श्रृंगारित करके जो गणगौर की सवारी निकलती है उसके साथ में वो चलते हैं। ठीक है, तो ये लाल पोशाक पहन कर लोग साथ साथ चलते थे और उन्हीं के आगे जो ये हाथी घोड़े चलते थे। उसके अलावा जो बात की जाए, जो महाराजा होते थे, वो महाराजा जो मोती बुर्ज होता था, दुर्ग में स्थान है मोती बुर्ज, वहाँ पर बैठकर जो क्या करते थे, इस जुलूस को देखते थे। और ये जुलूस पूरे शहर में निकाला जाता था, किसका, गणगौर का जुलूस निकाला जाता। उसके पश्चात बात की जाए, जब ये जुलूस समाप्त हो जाता और पुनः जो बात की जाए दुर्ग की तरफ लौटता था, और वहाँ पर जो बात की जाए मूर्ति बुर्ज से जो बैठे थे वहाँ महाराजा, वहाँ से इस दृश्य को देखते हैं। उसके अलावा वहाँ से उठकर वो बादल महल चले जाते हैं, और बादल महल पहुँचने के पश्चात जब काष्ठ प्रतिमा पुनः दुर्ग में पहुँच जाती थी, तो उसके पश्चात वहाँ नाच गाने का प्रोग्राम होता था, धूमधाम से जो नाच गाना होता था। उसके अलावा वहाँ पर जितने भी जो सरदार दरबारी होते थे उनके द्वारा जो महाराजा को क्या किया जाता, नजराना दिया जाता। नजराना बोले तो भेंट प्रस्तुत की जाती थी। इस तरीके से जो जयपुर में क्या किया जाता था, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता था। ये परंपरा हमें जो जयपुर रियासत में देखने को मिलती है। उसके अलावा उदयपुर की गणगौर की बात करें तो कविराज जो श्यामलदास हैं, इनकी एक रचना है वीर विनोद, इसमें जो बड़ा ही सुंदर तरीके से उल्लेख किया गया है, कविराज श्यामल के द्वारा बताया गया कि उदयपुर में जो गणगौर का पूजन किस तरीके से किया जाता है, गणगौर का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है। उदयपुर की अगर बात की जाए तो उदयपुर में मनाने का तरीका, जो बात की जाए जयपुर से, जिस तरीके से जयपुर में मनाया जाता है उससे थोड़ा भिन्न तरीका हमें देखने को मिलता है। उसी दिन जो कहते हैं गणगौर पूजन के दिन, जो महाराजा के द्वारा जो राजसी वेशभूषा पहनी जाती थी अगर बात की जाए तो, और उसके अलावा जो महाराजा अपने लवाजमे के साथ, यानी कि वही हाथी घोड़े ऊँट लेकर जो महाराजा त्रिपुलिया घाट में पहुँच जाते थे, त्रिपुलिया घाट पहुँच जाते थे, और वहाँ घोड़े से उतर कर महाराजा क्या करते थे, जो दो नावें होती थी, दो नावों में से एक नाव पे महाराजा सवार हो जाते थे और दूसरी नाव पे, बात की जाए दूसरी नाव पे उनके सरदारी और दरबारी है वह बैठ जाते थे। जिस नाव पे महाराजा बैठते थे उस नाव पे एक सिंहासन लगा हुआ होता था, और उसी दौरान जो संपूर्ण तालाब का जो उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता था, और ये त्रिपोलिया घाट से जो क्या करते थे बड़ी पाल तक जाते थे, और बड़ी पाल से जब पुनः लौट कर आते थे त्रिपोलिया घाट तक, फिर महलों से गणगौर की सवारी निकलती थी। लेकिन महाराजा पहले ही पहुंच जाते, अब गणगौर की सवारी निकलती, गणगौर की सवारी निकलने से पहले वह भी जो बात की जाए महिलाओं के द्वारा गणगौर का पूजन किया जाता था। उसके अलावा जो काष्ठ प्रतिमा होती थी उसको वस्त्र आभूषण से सजा दिया जाता, उसके पश्चात महलों से क्या निकलता था, गणगौर का जुलूस निकलता था, गणगौर की सवारी निकलती थी। और इसी तरीके से ये जो सवारी कहाँ पहुँचती थी, त्रिपोलिया घाट पहुँच जाती थी, जहाँ पे कौन है, महाराजा है। अब त्रिपोलिया घाट पहुँचने के पश्चात महाराजा के द्वारा जो गणगौर माता को अपने सिंहासन से खड़े होकर जो उनके द्वारा क्या किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, और उसके पश्चात जो पंडित गण है उनके द्वारा जो क्या करवाई जाती थी, पूजा अर्चना गणगौर की करवाई जाती थी। और उसके पश्चात बात की जाए जो पूजा अर्चना होने के बाद जुलूस पुनः क्या करता था, महलों की तरफ लौट जाता था। इस तरीके से जो उदयपुर में जो गणगौर पूजन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, इन रियासतों में भी जो गणगौर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता, लेकिन बूंदी की एक अलग कहानी, उसका जिक्र हम यहाँ करेंगे। बूंदी में जो गणगौर का त्यौहार क्यों नहीं मनाया जाता है, गणगौर के त्यौहार की बजाय जो गीगा गणगौर वहाँ मनाई जाती है, अगर बात की जाए गीगा गणगौर मनाने का क्या कारण होता है, ये जो बूंदी के महाराजा होते हैं, कौन, महाराजा राव बुद्ध सिंह होते हैं, ठीक है, महाराजा राव बुद्ध सिंह ये बूंदी के महाराजा होते हैं। तो गणगौर की सवारी जब जाती है उस वक्त क्या होता है कि इनके भाई है, जो इनके भाई का जो तालाब जेतसर तालाब होता है उसमें डूबकर निधन हो जाता है, उसके पश्चात इनके द्वारा वहाँ गणगौर पूजन मनाना
बंद कर दिया, उसके बदले में जो वहाँ घीघा गणगौर मनाई जाती है, और घीघा गणगौर चैत्र शुक्ला तृतीया से, चैत्र शुक्ला यानी जब गणगौर अपने यहाँ समाप्त हो जाती है उसके पश्चात उनके द्वारा जो क्या की जाती है, गणगौर मनाई जाती है। और चैत्र शुक्ला तृतीया से बैसाख कृष्ण तृतीया तक गणगौर का पूजन और गणगौर का त्यौहार उनके द्वारा मनाया जाता है। क्योंकि यहाँ एक जब गणगौर के त्यौहार के दौरान ही जो बात की जाए, राव भूत सिंह है उनके भाई की जेतसर तालाब में डूबकर मृत्यु हो जाती है, इस वजह से बूंदी में ये गणगौर का त्यौहार न मनाकर इसकी बजाय जो इसके विकल्प में घीघा गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरीके से बात की जाए, और गणगौर के अवसर पर कभी कभी गणगौर को लूटने की प्रथा भी हमें देखने को मिलती है। गणगौर को लूटने की प्रथा बात की जाए एक दूसरी रियासत की, जो मंचले होते थे अगर बात की जाए राजपूत शासी युवकों के द्वारा दूसरी रियासत को गणगौर को जो दूसरी रियासत की गणगौर होती थी उसको लूट कर लाना एक प्रतिष्ठा का जो सूचक माना जाता था। दूसरी रियासतों के गणगौरों को भी कभी कभार राजपूत जो युवकों के द्वारा लूट कर लेकर आ जाते थे। और उसके अलावा जो गणगौर के दौरान हम देखते हैं, गणगौर के दौरान जो घोड़े ऊँट इनकी जो प्रतियोगिता भी, दौड़ की प्रतियोगिता भी हमें देखने को मिलती है। गाँव में अगर देखोगे तुम, छोटे छोटे कस्बों में भी जब मेला होता है तो मेले के दौरान घुड़दौड़ प्रतियोगिता वगैरह ऊँटों की प्रतियोगिता होती, और गणगौर के दिन यह प्रथा भी प्रचलित थी। तो इस तरीके से जो राजस्थान में क्या है, राजपूताने में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता था। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए राजपूतों की जीवन पद्धति के तहत हम पढ़ रहे हैं, और जीवन पद्धति की बात की जाए इसमें राजपूतों के रीति रिवाज है, परंपरा उनका उल्लेख कर रहे हैं। राजपूताने के समय अगर बात की जाए जिसके तहत त्यौहार ही उसी का भाग है, हमने देखा किस तरीके से जो गणगौर पूजा का प्रचलन हमें राजपूताने में देखने को मिलता है, जिसके तहत जयपुर रियासत की हमने बात की किस तरीके से बड़ी धूमधाम से जो गणगौर की सवारी निकाली जाती है, और उनके द्वारा जो बात की जाए राजा के द्वारा जो इसकी अगुवाई की जाती थी, और इस तरीके से जो बड़े ही धूमधाम से जो ये गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। उसके अलावा जो कविराज श्यामल दास है उनकी पुस्तक वीर विनोद में जो उदयपुर की गणगौर का भी विवरण हमें देखने को मिलता है, उदयपुर रियासत में भी बड़े धूमधाम से गणगौर का त्यौहार मनाया जाता था। और यहाँ बात की जाए बूंदी में गणगौर का त्यौहार नहीं मनाया जाता, उसकी जगह जो घीघा गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, ये परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो ये जो त्यौहारों में जो गणगौर पूजन जो बात की जाए, गणगौर का त्यौहार है जो विशिष्ट रूप से जो राजपूतों के द्वारा उस वक्त मनाया जाता था, और आज भी हमें इसके अंश देखने को मिलते हैं। तुम देख सकते हो चाहे गणगौर की सवारी जो इसी तरीके से जयपुर में हमें देखने को मिलती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो अपना शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी कोई अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की जो आपके जो राय या सुझाव या विचार है वो भी आपके आमंत्रित है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।